हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में। गाइस, एक चीज ध्यान रखिएगा, आज के क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने ही देना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। पार्टिसिपेट करिए क्वेश्चन नंबर वन पे, सबका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर वन। साथ ही पोल में भी आंसर करना है, तो आंसर करिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर वन का आंसर। कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? आज कोई मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, आज सिर्फ आपका काम है। देखते हैं कितना हमारा तैयारी है, कितनी प्रिपरेशन हो रखी है। अंजलि, राम शुभम, संगीता, न्यासा, सैन भाई, सतीश, आंसर करो बेटा। मुर्शिदाबाद से मौसमी, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों के सामने, राधे राधे मिक्की, जल्दी आंसर करो क्योंकि 30 सेकंड का टाइम मिलेगा क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं आज कितने लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो सही होते हैं। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर वन, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वन, शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान माइक्रो टीचिंग जो है इज मोर इफेक्टिव। कब इफेक्टिव ज्यादा होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन होगा इस क्वेश्चन का। कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन गलत हुआ, जिनका भी क्वेश्चन नंबर टू पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करें। क्वेश्चन नंबर टू आप लोगों के सामने, आंसर करिए, माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल टू स्टूडेंट्स ऑफ। मौसमी, एक बारी वीडियो को रिफ्रेश कर लो या वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लो बेटा, 360 पे करके देखो, प्रॉपर दिखेगा। सनी, आंसर करो। निधि, क्वेश्चन नंबर टू, सूक्ष्म शिक्षण किसके छात्रों के लिए उपयोगी है? बाकी सबको प्रॉपर दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर टू सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ फॉर प्राइमरी एंड हायर क्लासेस। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण प्राथमिक और उच्च दोनों कक्षाओं के लिए जरूरी है। स्टेटमेंट सही है या गलत? याद रखिए यूजीसी नेट पेपर वन में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, इसलिए आज के जो ये क्वेश्चन हैं आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आई थिंक इसको शॉर्ट करना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वॉज अ पाइनियर इन माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट स्टार्टेड इन 1961? कौन सा विश्वविद्यालय 1961 में शुरू हुई सूक्ष्म शिक्षण अवधारणा में अग्रणी था? कौन सा विश्वविद्यालय 1961 में शुरू हुई सूक्ष्म शिक्षण अवधारणा, कब शुरू हुई थी माइक्रो टीचिंग 61 में, उसकी अवधारणा में नंबर वन पे था? क्वेश्चन नंबर थ्री सबका ध्यान होना चाहिए। सुजीत बिल्कुल सही है बेटा, और आपका मैं पिन कर रही हूं क्योंकि बहुत सही आपने आंसर किया है, स्टैनफोर्ड। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर फोर आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर द मेन कॉम्पोनेंट?
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, कौन सा इसमें से किसमें शिक्षण प्रक्रिया प्रमुख घटक मानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर द मेन कॉम्पोनेंट? सेनेटिक्स टीचिंग मॉडल यानी सिंथेटिक टीचिंग मॉडल, बेसिक टीचिंग मॉडल, इंडक्टिव टीचिंग मॉडल या सोशल स्टिमुलेशन यानी सामाजिक उत्तेजना? क्वेश्चन नंबर 4, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेसिक टीचिंग मॉडल्स। लास्ट में सबने अपने अपने स्कोर बताने हैं कि कितना स्कोर हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के इस पहले सेशन में किया। क्वेश्चन नंबर 5, इन एजुकेशन जॉन डीवी इज स्ट्रेस्ड ऑन? टाइम उतना ही रहेगा, टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है एग्जाम में, दैट इज व्हाई सब कंसंट्रेट करें क्वेश्चन पे। तरन्नुम, वीडियो की क्वालिटी इनहेंस करिए। शिक्षा में जॉन डीवी ने किस चीज पे सबसे ज्यादा जोर दिया? लर्निंग बाय डूइंग मींस ऑप्शन नंबर 1, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना किसके द्वारा था? जॉन डीवी के द्वारा। और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लर्निंग बाय डूइंग या करके सीखना को किसने जोड़ दिया है, तो जॉन डीवी, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। राधे राधे हरीश, आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, संगोष्ठी एक प्रकार का है, सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ, डिस्कवरी मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड? क्वेश्चन नंबर 6 एंड योर आंसर इज, क्वेश्चन नंबर डालो साक्षी, जिससे कि पता लगे आपने कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर बी, चर्चा विधि। सिंपोजियम क्या है? डिस्कशन मेथड है। सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ, चर्चा विधि या डिस्कशन मेथड, वेरी गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 7, राधे राधे प्रीति सुनंदनी आंसर करो। क्वेश्चन नंबर आ गया है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ो खुद से और आंसर करो। ये सोचो आज आपका एग्जाम है और आपको अपनी काबिलियत दिखानी है कि हमें टीचिंग एप्टीट्यूड से कितना आता है। राधा आंसर करो बेटा, संगोष्ठी यानी बैठक हो गया एक तरीके से, बैठ करके जब हम बातें करते हैं तो क्या होता है, उसे चर्चा ही होती है ना संगोष्ठी में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चनिंग स्किल इन एजुकेशन इज मोस्ट यूजफुल इन, शिक्षण में प्रश्न पूछने का कौशल सबसे अधिक उपयोगी होता है कब? मैं आप लोगों से क्वेश्चन कब ज्यादा पूछना पसंद करती हूँ? जब मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, यानी सीखने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। क्वेश्चन आंसर कब सही रहता है? जब मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग उस चीज में कितने एक्टिव हो, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो, कितना उस चीज में कॉन्सेंट्रेट हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
जल्दी वीडियो को भी सब लोग लाइक करते जाइए अगर आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है? ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 1 ये गलत है। यहां पर क्या पूछा गया था? सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग क्या गलत है? ऑप्शन नंबर 1, इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग, जबकि ये क्या है? कोर टीचिंग स्किल्स है, यानी शिक्षण कौशल है। प्रत्येक कौशल का अलग अलग अभ्यास किया जाता है। प्रश्न पूछना सूक्ष्म शिक्षण का एक घटक है। आपके हो सकता है स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन डाल दिया जाए जिसमें पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग टीचिंग का एक मेथड है। सेकेंडली कि प्रश्न पूछना माइक्रो टीचिंग का एक कॉम्पोनेंट है। तो अगर आपका बेस क्लियर है, आपको पता है कि वॉट इज माइक्रो टीचिंग, तो आप आंसर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये तो गलत ही नहीं होना चाहिए, सबको पता है इसके बारे में। आर्मस्ट्रांग किसके प्रमुख प्रतिपादक थे? इसमें तो मतलब 100% मेरे के हिसाब से आना चाहिए, पोल में 100% आंसर होना चाहिए। वेरी गुड जॉब मेरो कुमाऊ। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से बेटा सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ह्यूरिस्टिक विधि, जिसके हम खोजी विधि भी कहते हैं। खोजना, ह्यूरिस्टिक का क्या मतलब होता है? खोजना। इसे हम ह्यूरिस्टिक विधि, खोजी विधि भी कहते हैं। और इसके मेन अगर हम बात करें प्रपोजर कौन थे? आर्मस्ट्रांग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कशन मेथड इज यूजफुल इफ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं, अच्छी बात है, गलतियां करेंगे तो ही पता लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे फोकस। चर्चा पद्धति उपयोगी है अगर, डिस्कशन मेथड कब यूजफुल रहता है? सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, सभी स्थितियों में, यानी जब टॉपिक इजी हो, जब टॉपिक डिफिकल्ट हो, या फिर टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट, कभी भी हम बात करें, चर्चा करेंगे तो चीजें सॉल्व आउट होंगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। कितने क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व कर पाते हो आज देखना है। सोच समझ के आंसर करें क्वेश्चन नंबर 11। और इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपयोगी है क्योंकि यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाती है। इट मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12,
एक तरीके से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व हो रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस भी पता चल रही है। आंसर करते चलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। 12 का सही आंसर उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। पाठ योजना में कौन से घटक शामिल किए जाते हैं? लेसन प्लान में किसी पाठ का विकास या रूपरेखा, डेवलपमेंट और आउटलाइन ऑफ अ लेसन, सामग्री के पूरक स्पष्ट करने की विभिन्न सामग्री, उसके विशिष्ट उद्देश्य, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13, ऐश्वर्या, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा जल्दी से आंसर करो। सबसे पहले स्पीड होनी चाहिए क्योंकि 3 घंटे में ही दोनों पेपर सॉल्व करने हैं। एक्यूरेसी भी मस्ट है, स्पीड भी मस्ट है। ड्रिल और अभ्यास के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत सारे लोगों के गलत हो गया यहाँ पे आंसर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। सी क्यों किया आप लोगों ने? ऐश्वर्या वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो बेटा, ये PYQ नहीं है, ये आपके जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर से लिए गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनमें से हालांकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो PYQ में स्टेटमेंट के तौर पे आए हैं, ये मत समझना कि ये क्वेश्चन आए नहीं है, आए हैं बट हो सकता है स्टेटमेंट में या मैचिंग में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आपको कितना नॉलेज है अपने चैप्टर के बारे में, यही जान रहे हैं आज के इस एमसीक्यूज में। एक बार रिफ्रेश करके देखो बेटा, बाकी सबको क्लियर दिख रहा है? थैंक यू सौरभ। चलिए इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 14, इन्होंने कहा है प्रैक्टिस इज मेड ऑन। सही आंसर ड्रिल मेथड। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ड्रिल मेथड। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, आई थिंक ये ज्यादा ही जूम हो जाएगा ना इसमें। एक बार ये क्वेश्चन को मैं पढ़वा देती हूँ फिर आपको पूछूंगी, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स रोल प्लेइंग कैन बी मेनली यूजफुल फॉर टीचिंग, किस विषय में भूमिका निभाना मुख्य रूप से शिक्षण के लिए उपयोगी होता है? क्वेश्चन को एक बार चाहो तो फिर से देख लो, रीड कर लो। निम्नलिखित में से किस विषय में भूमिका निभाना मुख्य रूप से शिक्षण के लिए उपयोगी हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 15, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। रोल प्लेइंग किसमें सही रहेगा ये पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर है बच्चे, ऐश्वर्या मैं क्या बोलूं, एक बारी चाहो तो वीडियो को फिर से थोड़ा बैक करके फिर से स्टार्ट करो क्योंकि बाकी सब में थोड़ा सा प्रॉपर सबको दिख रहा है, मे भी हो सकता है कुछ इशू हो। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 1, हिस्ट्री यानी कि इतिहास। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अभी क्लियर है? चलो वेरी गुड बेटा। टीम शिक्षण का क्या लाभ नहीं है? जैसे स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं कि टीम टीचिंग के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। सही जा रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ, बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ टीचर, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये लाभ नहीं आएंगे, ठीक है ना। 17, एक शिक्षक व्यवहारिक रूप से जो प्रदर्शन करता है और समझाता है उसे हम क्या कहेंगे? व्यवहारिक रूप से जब कोई काम किया जाता है, प्रैक्टिकली कोई चीज़ करके दिखाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, प्रदर्शन विधि, या इंग्लिश में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी किसी चीज़ को डेमो देकर दिखाना। क्वेश्चन नंबर 18, इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग गलत कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आंसर करें। सिग्नेचर साफ नहीं है, कोई बात नहीं, अगर रिजेक्शन होना होता पहले हो जाता, कोई डरने की बात नहीं है, आराम से जाओ एग्जाम दो। सिग्नेचर साफ नहीं है तो उनको वहीं पर ही फॉर्म रिजेक्ट कर देना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया है, इसका मतलब है यू आर एलिजिबल, आप जा सकते हैं एग्जाम देने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर जान लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, टीम शिक्षण में जो मुख्य धारणा है, अजम्पशन है, द बेस्ट टीचर कैन बी शेयर्ड बाई मोर स्टूडेंट, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण को, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को अधिक छात्रों के द्वारा साझा किया जा सकता है, यानी जो अच्छा टीचर होगा वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में प्रसिद्ध हो जाएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसके बारे में बात करेंगे, उसको शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, और यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के। भाई वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, अगर मजा आ रहा हो तो। माहे रुख आंसर करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, CAI stands for, करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज नॉट द मोड ऑफ CAI, दुनिया में एक आप ही खान सर है। अरे भाई निधि बहुत बड़ी बात कर दी भाई। चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ बेटा।
नंबर 20, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सब लोग आंसर करो, शंभू, न्यासा, सनी, किट्टू, CAI का कौन सा तरीका नहीं है? सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न मोड, यानी ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों का सही हुआ, एक बार हैंड्स अप करिएगा इस क्वेश्चन पे। कितने लोगों ने डी ऑप्शन पे टिक किया है इस क्वेश्चन पे? क्योंकि मुझे डाउट लग रहा था कि शायद ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा। डी, नीलम, किया है, डी पे किया है, बहुत बढ़िया। जयश्री, गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये बताओ, 20 क्वेश्चंस हो गए, क्या करना है, और क्वेश्चन करने हैं कि बस करें? जिनको चाहिए कि और क्वेश्चंस, जल्दी से वीडियो को एक लाइक करें और एक थम्स अप दीजिए, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, जबरदस्ती क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हो बल्कि मन से सॉल्व कर रहे हो। कोई बात नहीं, गलत हुआ है, कोई बात नहीं। जो चाहते हैं कि वीडियो और आगे बढ़ाया जाए और क्वेश्चंस देखने हैं, तो जल्दी से एक बार हैंड रेज करो और वीडियो को एक लाइक करो, जिससे पता चले कि आप लोग इंटरेस्टेड हो और तैयार हो। चलो, बहुत बढ़िया भाई, शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21, सामग्री प्रस्तुत करते समय शिक्षकों को निम्नलिखित में किस पर विचार करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 21, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। थैंक यू बेटा, लाइक कर दिया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21, आज आपके लिए मैं 50 क्वेश्चन से ज्यादा ही लाई हूं, इसलिए चाहते हो कि 50 MCQs को सॉल्व करना, तो लगे रहो, आंसर करते रहो। गलत हो, सही हो, कोई बात नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहां पर भी। When presenting material, teacher should concern which of the following? क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर, ये एस्पिरेंट, ये क्लासेस तो काफी टाइम से चल रही हैं, बट इस समय एग्जाम आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज आज से स्टार्ट करी है मैंने। डेली बेसिस पे यूनिट वाइज आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी संरचना, संतुलन, प्रेरक, स्ट्रक्चरिंग, बैलेंसिंग, मोटिवेटिंग, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं टीचर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, हिस्ट्री वालों बताओ भाई, हिस्ट्री का कब है? अभी तो हम क्लास में, अभी तो भाई इसी पे कंसंट्रेशन है, आंसर आप लोगों के क्लास के बाद ही दे पाएंगे। शिक्षा में प्रौद्योगिकी शिक्षण बना रही है, क्वेश्चन नंबर 22। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थी उन्मुख, यानी आजकल की जो एजुकेशन पे टेक्नोलॉजी आप लोग देख रहे हैं, उस पे क्या हो रहा है भाई, जो फैसिलिटी है सबसे ज्यादा किसके लिए है? सबसे ज्यादा है लर्नर्स के लिए, यानी जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का, भाई आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उस पर किस पे फोकस किया गया? टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज मेकिंग टीचिंग लर्नर ओरिएंटेड। NEP में भी लर्नर ओरिएंटेड की बात करी गई है, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, यानी पूरे समूह के निर्देश के लिए इनमें से कौन सी चीजें सही हैं? क्वेश्चन नंबर 23,
एडमिट कार्ड भी आएंगे, एग्जाम भी होगा, लेकिन मजा तभी होगा जब हमें वो क्वेश्चंस आते होंगे। इसलिए पहले कंसंट्रेट करिए अपने क्वेश्चंस पे, क्योंकि वो तो आप लोग कभी भी डाउनलोड कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। कौन से पूरे समूह के निर्देश के लिए सही है? क्वेश्चन नंबर 23 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कन्वीनियंट फॉर टीचिंग द सेम स्किल और कंटेंट टू द इंटायर क्लास। चलो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, आंसर करिए 24। ट्वेंटी फोर सीखने की प्रक्रिया में जो व्यक्तिगत अंतर है को सबसे कम महत्व किसमें किसको किसमें दिया जाता है? तो 24 सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आदर्शवाद में। किसमें दिया जाता है? आदर्शवाद में। कोई बता सकता है यथार्थवाद किसके द्वारा दिया गया था? यथार्थवाद या रियलिज्म किसके द्वारा दिया गया था? आपको ये सारी चीजें पढ़ाई थी। आदर्शवाद किसके द्वारा दिया गया था? यथार्थवाद यानी रियलिज्म, रियलिज्म दिया अरस्तु के द्वारा। ऐसे ही प्रैग्मेटिज्म किसके द्वारा दिया गया? व्यावहारिकता, अरस्तु के द्वारा दिया गया यथार्थवाद, रियलिस्टिक पे उन्होंने दिया अरस्तु ने। प्रैग्मेटिज्म किसने दिया? प्रैग्मेटिज्म दिया जॉन डीवी। इन सबके प्रपोजल याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट में पूछे जाएंगे क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 25, संचार में निम्नलिखित तरीकों में कौन सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है? बेटा थोड़ा बैक करके फिर से स्टार्ट करो, प्रॉपर दिखेगा। बैक करो थोड़ा वीडियो को। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव? जॉन डीवी किसके हैं, कैपेट्रिक किसके हैं, किक गार्ड किसके हैं? इन सब की चीजों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में या मैचिंग में। 25 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिफिकल्ट टू जनरलाइज एंड डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए बी सेम है। ये वर्बल कम्युनिकेशन है या ओरल कम्युनिकेशन है, सेम कैसे हुआ बेटा? 26 क्वेश्चन नंबर, जल्दी जल्दी करो अनुपम, वीडियो की क्वालिटी या तो एनहेंस कर लो या थोड़ा सा बैक करके फिर से स्टार्ट करो, प्रॉपर देखेगा, क्योंकि लाइव क्लास है ना, तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा वीडियो में इशू हो रहा हो। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू, आदर्शवाद, प्लेटो। वेरी गुड हुमा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर 26 ऑप्शन नंबर बी, चर्चाएं। जहां पर हम डिस्कशन करते हैं वहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होता है। लेक्चर में क्या होता है?
लेक्चरर आया, लेक्चर देके चला गया। टेक्स्ट बुक क्या है? टेक्स्ट बुक पढ़ाने को दे दी गई, पढ़ने को दे दी गई। ऑडियो विजुअल भी अलग चीज हो गया, बट चर्चा ऐसी है जहां पे हम डायरेक्टली फेस टू फेस भी चर्चा कर सकते हैं, अधिकतम भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप ऑफ टीचिंग पैराडाइम, किस प्रकार का शिक्षण प्रतिमान पूर्व भेजने वाली सामग्री के लिए तकनीकी या सिखाने का एक सही तरीका या दृष्टिकोण केंद्रित करेगा? विच टाइप ऑफ टीचिंग पैराडाइम वुड फोकस ऑन अ टेक्निकल और वन वे टू टीच अप्रोच टू प्रेजेंटिंग कंटेंट? क्वेश्चन नंबर 27, सही आंसर है इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम यानी निर्देशात्मक। तकनीकी या सिखाने का सही तरीका, वन वे टू टीच, निर्देशात्मक, इंस्ट्रक्शन देना वन वे टीचिंग में आ जाएगा। बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसकी पोल नहीं दी। क्वेश्चन नंबर 28, अब बड़े ही क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रमोटिंग विलेजर्स? ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संचार का कारण नहीं हो सकता? पूरा पढ़ लेते हैं। संचार का एक अच्छा तरीका नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रमोटिंग लिटरेसी अमंग विलेजर्स? ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जिसको एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। बड़ी समूह चर्चा, अगर हमें ग्रामीणों के बीच में लिटरेसी को बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए? डेमोन्स्ट्रेशन देना है, रीडिंग राइटिंग को प्रमोट करना है, टीवी फिल्म प्रोजेक्ट करना है, लेकिन लार्ज ग्रुप डिस्कशन करने बैठ गए तब तो हो चुका है। फिर संचार का एक अच्छा तरीका नहीं हो सकता, बड़े समूह का चर्चा। क्वेश्चन नंबर 29, अभी देखो प्रॉपर दिखेगा। विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का प्रमुख लाभ कौन सा होता है? ऐसे क्वेश्चन के आंसर किया करो कि आपने आगे चलकर लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, और आपके सामने अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? सेल्फ स्टडी को बढ़ाने के लिए, वेरी गुड जॉब, यानी स्वाध्याय की आदत विकसित करना, टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, वेरी गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 30, इंस्ट्रक्शनल मीडियम अफेक्ट द एब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम क्लास टीचिंग। निर्देश माध्यम कक्षा शिक्षण से अनुपस्थिति और पलायन को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 30, इस बात से सहमत है या नहीं? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जब आंसर देते हैं गलत आंसर देते हैं तो तेज मिर्ची लगती। कोई बात नहीं, एग्जाम अच्छा जाएगा ना, फिर यही मिर्चियां स्वाद लगेंगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर वन, एग्रीड। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर 31, इसीलिए तो देखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस को जो आपके, कहते हैं ना, चैप्टर से करना बहुत जरूरी होता है। सेल्फ
शैक्षिक कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर स्कोरिंग, सूचना को सुरक्षित करना, डेटा विश्लेषण या सभी चीजें। प्रीति क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे अभी तो बेटा, ये फिर भी इजी क्वेश्चन है। अगर पी वाई क्यू की यहाँ पे सीरीज लगा दें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है। समझ के कोशिश करो आंसर करने की। 31 ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हाँ इस पे मैं बना दूंगी, ठीक है। हालांकि एक मैंने बनाया हुआ है लेकिन चलो मैं बना दूंगी फिर से। क्वेश्चन नंबर 32 आंसर करते चलो। कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्टोलोरो एंड डेविस। क्वेश्चन नंबर 32 सही आंसर। देखिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज बताओ, अभी इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या लग रहा है कुछ नया सीखने को मिला या वही क्वेश्चंस थे जो मैम हमेशा रिपीट होते हैं? आज की क्लास में कितने लोगों को लगता है कि नए क्वेश्चंस थे और आपके वो काम के हैं क्योंकि स्टेटमेंट में भी आ सकते हैं? कितने लोगों को लग रहा है कुछ नया सीखा आज? वो लोग अपने हाथ उठाएं जरा भाई। पुराने पी वाई क्यूज तो चलो हम करवा ही रहे हैं, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड से हमारे सामने क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, है ना? थैंक यू सुनंदी, हर टाइम कुछ ना कुछ नया होता है और यही एनटीए करता है। एनटीए भी यही करता है, आपको क्या करता है क्वेश्चंस, सिलेबस वही है, घुमा के क्वेश्चन डालता है जहां पे अब यही चीज स्टेटमेंट में हो सकता है वो डाल दे, है ना? जरूरी नहीं है कि वो घिसे पिटे क्वेश्चन से ही देगा। बहुत कुछ नया सीखने को मिला, चलो वेरी गुड वेरी गुड। अभी इस क्वेश्चन का आंसर करो, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। समूह अधिगम यानी ग्रुप लर्निंग से क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 33। इसका पीडीएफ मिलेगा बेटा, डोंट वरी। अभी मेरे को आज दोपहर वाला भी मैं नहीं लगा पाई, वो भी लगाना है, कल का भी लगाना है और आज का तो लगाना ही लगाना है। आज इसके बाद, क्लास के बाद बहुत काम है मेरे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन स्प्रेड है फ्रॉम ग्रुप लर्निंग? अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, ग्रुप लर्निंग से ये बेटा मिलेगा हमारे वेबसाइट पे। अभी मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। समूह अधिगम से छात्रों की कौन सी अपेक्षाएं होती हैं? ऑप्शन नंबर डी टू मोटिवेट आइसोलेटेड स्टूडेंट टू बिकम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, प्रत्येक छात्रों को समूह का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करना। 33 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन बड़े समूह छोटे समूह व्यक्तिगत शिक्षण विधियों के दायरे को जोड़ता है? कौन छोटे समूह बड़े समूह व्यक्तिगत शिक्षण विधियों को एक दायरे में जोड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंस स्कोप ऑफ लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप एंड इंडिविजुअल टीचिंग मेथड्स? क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। वेरी गुड निक्की, बहुत बढ़िया।
ये वाला जो क्वेश्चन के आंसर मैं टिक कर रही हूँ इस वाले क्वेश्चन के आंसर के साथ रहेगा, बाकी सारी पीडीएफ तो ऑलरेडी इसमें है ही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी कि विभेदित निर्देश, आर्ट ऑफ माइंड। बेटा ऑप्शन नंबर बी खुशी वेबसाइट पे मिलेगा हमारी, फ्री में है, कोई ऐसा चार्जेस नहीं है। मैं अभी लिंक शेयर करूंगी, डायरेक्टली आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। नीचे सूचीबद्ध शिक्षण विधियों का कौन सा संयोजन शिक्षार्थी केंद्रित प्रतिमान को प्रोत्साहित करता है? यानी आपको ऐसी विधियां या मेथड बताने हैं कॉम्बिनेशन जो कि आपके लर्नर जो है ओरिएंटेड शिक्षार्थी केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 35। देखो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आपको लगता है कि आपका आंसर सही हो सकता है, आप उस चीज के बारे में डिस्कस जरूर करें, एक्सप्लेनेशन दें कि मेरा आंसर क्यों सही हो सकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट एंड डायट एक्सपीरियंस। 35 में अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, भाई अपना ऑप्शन नंबर डी सही है। कितने लोगों ने डी दिया है? ओनली 25% लोगों ने, ओनली 25% लोगों ने। क्या हुआ, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है? अभी देखो, अभी देखो, अभी तो नहीं हो रही वॉइस प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षण की परियोजना पद्धति की जो सीमा है वो क्या है? अब सही है, क्वेश्चन नंबर 36, वॉट इज द लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैथड ऑफ टीचिंग? गुलनाज क्लियर है? चलो वेरी गुड। चलिए जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों का आमतौर पर ठीक से पर्यवेक्षण नहीं किया जाता। शिक्षण की परियोजना पद्धति की जो सीमा है या नुकसान है वो क्या है कि उनका ठीक से क्या नहीं किया जाता, सुपरविजन नहीं किया जाता, प्रोजेक्ट विधि है। 37, अनुमानी दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है? 37 क्वेश्चन नंबर, अनुमानी दृष्टिकोण किस पर आधारित है? 37 ऑप्शन नंबर सी, पूछताछ की भावना यानी स्पिरिट। किसकी स्पिरिट होनी चाहिए? पूछताछ की। अनुमानी दृष्टिकोण भैया सिलेबस है, कहीं से भी आ जाएगा। ये ह्यूरिस्टिक विधि कैसी है? खोजी विधि है। खोजी विधि में रटना होता है क्या? होमवर्क होता है क्या? कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है बेटा ये वाले। अनुमान का क्या मतलब है? अनुमान लगाना, किसी चीज को खोजना, रटने में खोजना कहाँ से आता है भाई? रटने में खोजना कहाँ पे आता है? घर में किसी को काम दिया गया है, किसी को होमवर्क दिया गया है, वो रटने उसमें आता है क्या? खोजी विधि में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 38, दिमाग से सोच के आंसर करो। अ टीचर यूजेस द लर्निंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी टू मेक लर्निंग।
क्वेश्चन नंबर 38, माइक की आवाज गूंज रही है? माइक हटा दूंगी भैया, फिर तो मेरी डबल डबल आवाज आएंगी। चलो जल्दी से देखते जाओ। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अभी आ रही है वॉइस क्लियर? ऑप्शन नंबर 1 साधारण, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंपल। अ टीचर यूजेस द लर्निंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज टू मेक लर्निंग सिंपल और इजी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज? क्वेश्चन नंबर 39, जल्दी से आंसर करो अब इस क्वेश्चन का। अभी वॉइस आ रही है, थोड़ा मेरे ख्याल से नेटवर्क का इश्यू हो सकता है इस वजह से, है ना। तो कोई बात नहीं, आप लोग क्वेश्चन पे फोकस करो, क्वेश्चन पे फोकस करो सब लोग। क्वेश्चन दिखना चाहिए, मेरी आवाज इसमें आ रही है या नहीं वो तो अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है? तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39, कितने लोगों को लगता है डी होगा, कितने लोगों को लगता है ए होगा? सही आंसर है, ये सभी होंगे, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी, कंफ्यूज मत हो जाना। क्वेश्चन नंबर 40, टीचर यूजेस विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी टू मेक लर्निंग। अगर हम विजुअल का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम विजुअल का इस्तेमाल करते हैं तो लर्निंग कैसी होगी भाई? यही अगर हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएं तो क्या होगा? और इंटरेस्टिंग हो जाएगी, यानी दिलचस्प हो जाएगी, है ना। जब जो चीज दिखेगी, दृश्य निर्देशात्मक सुविधाओं का उपयोग करते हैं टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट एज अ लर्निंग एक्टिविटी? क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ये शिक्षक केंद्रित विधि है, टीचर सेंटर एक्टिविटी है। ये प्रोजेक्ट के बारे में कहा जाता है कि कौन सी चीज सही नहीं है, यानी नॉट ट्रू। तो ये क्या है, क्या सही होगा? ये लर्नर सेंटर्ड है, ना कि टीचर सेंटर्ड। प्रोजेक्ट विधि कैसी होती है? प्रोजेक्ट विधि लर्नर सेंटर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 42, यूज ऑफ टेलीकास्ट मटेरियल फैसिलिटेट्स, यानी प्रसारण सामग्री के उपयोग से सुविधा होती है कैसी? जल्दी जल्दी भाई सब लोग आंसर कर लो, क्योंकि नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि बीच में ही पूरे हो ना पाए। तो जल्दी जल्दी करो भाई, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। टेलीकास्ट मटेरियल मेड बेटर कॉन्सेंट्रेशन रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बेटर रिटेंशन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, ओवरहेड प्रोजेक्ट से जुड़ा एक लाभ इनमें से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट एसोसिएटेड विद द ओवरहेड प्रोजेक्टर? 30 सेकेंड में ही आंसर करना है, क्योंकि ज्यादा टाइम अब है नहीं है, 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होने ही वाले हैं, तो जल्दी करिए। ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही जा रहे हैं। सस्ती होती है,
अपेक्षाकृत जल्दी बनाई जा सकती है और शिक्षकों को कक्षा गतिविधि के दौरान पारदर्शिता लाने पर लिखने का विकल्प भी प्रदान करती है। ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज होती है? क्वेश्चन नंबर 44। टाइम फिर से स्टार्ट हो गया, जल्दी करिए। ये तो आसान से क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 15 सेकेंड में आराम से होने चाहिए। वॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड? कोई बात नहीं, गलत हो गया, अगली बार गलत नहीं होगा क्योंकि आपने ये पढ़ लिया है। ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गुड हैंड राइटिंग, अच्छी राइटिंग होगी तभी तो पता लगेगा कि हमने लिखा क्या है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उसमें क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, गुड हैंड राइटिंग। अगर हैंड राइटिंग ही नहीं समझ में आई तो क्लैरिटी कैसे पता लगेगी? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 45, जल्दी आंसर करिए। ब्लैक बोर्ड को शिक्षण सुविधाओं के किस समूह या श्रेणी में शामिल किया जाता है? ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप और कैटेगरी? 45 क्वेश्चन नंबर। जितेन वीडियो की क्वालिटी या तो बढ़ा लो या थोड़ा सा बैक करो बेटा। देखो मैंने आपको पहले भी कहा है, ऑप्शन हो सकता है चारों सही हो लेकिन हमें बेटर ऑप्शन को चूज करना है। ब्लैक बोर्ड कैसा है, ऑडियो है, विजुअल है, ऑडियो विजुअल है या नन ऑफ दीज? 45 ऑप्शन नंबर बी, दिखता है ये, दृश्य निर्देशात्मक सुविधा है ये। क्वेश्चन नंबर 46, ये बताओ अगर 50 क्वेश्चन में मैं आंसर करने लगूं तब तो फिर मेरे ख्याल से 3-4 घंटे की क्लास होनी चाहिए। फिर तो अगर मुझे एक्सप्लेनेशन दे दे के करना है तो 3-4 घंटे की क्लास ले लोगे? 3-4 घंटे या फिर छोटे समय, कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आनी चाहिए? क्वेश्चन के अगर आपको आंसर आ गए, समझो वन लाइनर हमने सॉल्व कर लिया, स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन, कोडिंग वाले क्वेश्चन यहीं से आएंगे, आराम से सॉल्व कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ टीचिंग स्किल? सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब या तो उसी चीज को हम घुमा के पूछ लें, कल हम टफ क्वेश्चन डाल देंगे तो आप कहोगे मैम इतने बड़े क्वेश्चन क्यों डाल दिए। आज जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इजी क्वेश्चन है तो क्या हिंदी लैंग्वेज में टफ लग रहे हैं? अभी ये टफ और लगेंगे, ठीक है, अभी और टफ लगेंगे। कल मैं कोशिश करूंगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के वो क्वेश्चन मैं दिखाऊं जो आपके PYQ में आए हुए हैं, तब आप बताना कि ये इजी है या वो इजी है। चलो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखो, 46 ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही ब्लैक बोर्ड राइटिंग, सॉल्विंग क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन, कल के लिए भी तैयार रहना। 47, व्हाई डू टीचर यूजेस टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी? शिक्षक शिक्षण शिक्षण सुविधाओं का उपयोग क्यों करते हैं? वीडियो की सेटिंग पे जाओ बेटा, वीडियो की सेटिंग पे आपको इस तरीके का स्टार बना होगा, उस स्टार पे जाओ और वीडियो लिखा होगा, वीडियो क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लो 360 पे करके देखो। नहीं तो अभी बस क्लास एंड होने वाली है, फिर तो रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो। शिक्षण, व्हाई डू टीचर यूज टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज? ऑप्शन नंबर बी, टू टीच विद इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट, जिससे कि छात्रों को समझ में आए। 47 का बी। 48, कौन सा विद्यार्थी को बातचीत करने की अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 48, ये कॉन्सेप्ट है आपका। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 1, ये चैप्टर 1 से क्वेश्चन है। अब आप ये सोचिए कल का टाइमिंग, लक्ष्मी प्रिया जो PYQ क्लास है उसका तो मैं बता ही दूंगी, डाल दूंगी आपके टेलीग्राम पे।
और बाकी ये वाली क्लास तो रात को 8:30-9 बजे के बीच होगी, ठीक है? कल भी 8:30-9 बजे के बीच क्लास होगी, तो ले लेना सब लोग। पोल इसलिए नहीं आ रहा पूजा, क्योंकि पोल करेंगे तो अभी 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे ही हो जाना है, तो थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी देख लो। विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स मोर फ्रीडम टू लर्नर्स टू इंटरेक्ट स्मॉल ग्रुप डिस्कशन? क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा अधिक संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? बस कंप्लीट होने वाला है, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक शेयर करिए। और क्या करना है, अगर अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है तो आप लोग ले सकते हो, चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। 49 सही आंसर, समूह चर्चा, डिस्कशन। सबसे ज्यादा संवाद किस में होता है? डिस्कशन में होता है। जहां डिस्कशन है, सीधी सी बात है भाई, ग्रुप डिस्कशन हो गया, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 50, एक प्रभावी शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाएं वो होती हैं जो यस बेटा, मैं कल ऐसा करती हूँ, कुछ सब्जेक्ट के पीवाईक्यू डालूंगी कल मैं, ठीक है? कुछ सब्जेक्ट के कल मैं डालूंगी, बट आप लोगों ने क्या करना है भाई, ज्वाइन बटन से मेंबरशिप ले लो, क्योंकि मेरे को भी सारे कंटेंट अरेंज करने में थोड़ी मेहनत लग रही है, थोड़ा हमें भी जो है कंटेंट परचेस करने में भी लग रहा है मेरे को। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, ज्वाइन कर लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि शायद आपके लिए 89 रुपीज छोटी रकम होगी। 89 रुपीज 1 महीना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 90 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए, जिससे भी आप लेना चाहो। डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्ट यूपीआई आईडी से भी ज्वाइन कर सकते हो, या यूट्यूब से। तो हेल्प करो, जिससे कि हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज करवाएं। तो ऑप्शन नंबर बी सभी संकायों को सक्रिय करता है। 51 क्वेश्चन नंबर, कौन सा अनुमानित शिक्षण सुविधाओं से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 51। पेपर 2 के पीवाईक्यू पीडीएफ, सोशियोलॉजी, हिंदी जो मेरे पास है, मैं आपको बता दे रही हूँ, वो पीडीएफ आप लोग मेरे से ले सकते हैं अगर आप मेंबरशिप लेते हैं, ठीक है? मेंबरशिप के थ्रू आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनके पीवाईक्यू मैं प्रोवाइड करूंगी, पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी पेपर 2 के लिए, जो कि मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी कि कौन कौन से हैं मेरे पास 2023 के। तो टेलीग्राम तो सब लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। 51 सही आंसर सी, एपीडिया स्कोप, ठीक है? हाँ, एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप लोग चेक कर लो एक बार। हाँ उर्वशी, तुमने लिया हुआ है कौन सा सब्जेक्ट है? अपने अपने सब्जेक्ट आप लोगों ने मेरे को बताना है टेलीग्राम पे, उसके अकॉर्डिंग जिन्होंने भी मेंबरशिप ली है वो मेरे को जो है एक बारी मैसेज कर लेना, अगर मेरे पास अवेलेबल है मैं उनको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है? चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब कंप्लीट हो गए हैं आपके 51 एमसीक्यूज टीचिंग एप्टीट्यूड के। करना क्या है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, जाने से पहले क्या करना है, आपने वीडियो को फीडबैक देना है कि क्वेश्चंस कैसे लगे। कल आपकी दोपहर में पीवाईक्यू क्लास होगी और रात को फिर से एमसीक्यू क्लास होगी, ठीक है? चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका एग्जाम आ रहा है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और टेलीग्राम पर मिलते हैं सब लोग, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।